हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो भी छात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है और हिस्ट्री का हम पेपर लेके आए हैं 2022 में आने वाले क्वेश्चन, मैं आपसे वादा करता हूं इन क्वेश्चनों को आप याद करके 85% प्लस ला सकते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं आपकी हर परिस्थिति में मैं आपके साथ रहूंगा। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप हमारे चैनल को पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ में हमारा एक लिंक और दे रखा है चैनल का, दूसरा लिंक जिसका नाम है बीए बाय पेपर हैकर। दूसरा चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बीए बाय पेपर हैकर। उस चैनल पे भी इस वीडियो को आप देखेंगे। सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर करो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी यूनिवर्सिटी के, यूपी के आल यूनिवर्सिटी के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ठीक है बेटा? देखो, यहां बात करने वाले बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हिस्ट्री का पेपर है। इसमें क्या क्या हमें याद करना है पेपर में, हिस्ट्री के पेपर में। इस वीडियो में 18 से 22 क्वेश्चन, लगभग 18 से 22 क्वेश्चन दे रहा हूं, बस इससे ज्यादा नहीं है। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% ला सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो स्टार्टिंग करते हैं। और अपने पास बुक, नोट्स, गैस पेपर जो भी है आप उस पर टिक लगा लीजिए। यदि आपके पास बुक, गैस पेपर, नोट्स वगैरह नहीं है तो हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और साथ ही साथ में आपको हम शॉर्ट ट्रिक से इन क्वेश्चनों के आंसर भी दे देंगे। आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है? तो देखो, यहां बात करने वाले पहला क्वेश्चन है, इतिहास का अर्थ क्या होता है, क्षेत्र के बारे में, उसके महत्व क्या होते हैं और स्रोतों के बारे में हम याद कर लेंगे। तो इतिहास का अर्थ क्या होता है, क्षेत्र क्या है, महत्व क्या है और उसके स्रोत क्या है, हम याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था के जो उद्भव कह सकते हैं, उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ। तो प्राचीन भारत में जो वर्ण व्यवस्था का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है, वो आपको बताना है कैसे हुआ था। प्राचीन काल में व्यापार के बारे में और सिंधु घाटी की विशेषता क्या थी, जो सिंधु घाटी थी उसकी विशेषता क्या रही थी, और प्राचीन काल में जो व्यापार करते थे लोग वो कैसे करते थे, उसके बारे में याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में जो आर्यों की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति थी, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों की सामाजिक और धार्मिक स्थिति थी वो कैसी थी, वो आप याद करेंगे। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, देखो ऋग्वैदिक काल में कैसी थी आर्यों की सामाजिक, और इसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल में सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, वो आपको बताना है। और इसी प्रकार से आपको ये देखना है कि मौर्य की उत्पत्ति, उनके कार, और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन चक्र, पूरा जीवन कैसे व्यतीत हुआ था, जीवन ठीक है कैसे कैसे कटा था वो पूरा बताएंगे। और साथ ही साथ मौर्य के साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, पतन का मतलब क्या है, पराजय कैसे हुई, पराजय होने का कारण क्या था, मौर्य वंश के जो साम्राज्य थे, साम्राज्य कह सकते हैं, उनका पतन होने का कारण क्या था, और मौर्य जो मौर्य वंश का प्रशासन था, ठीक है, उनकी विशेषताएं क्या थी, वो आप देख लेंगे, बस इतना याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, टिक लगा लो अपने गैस पेपर, नोट वगैरह जिससे पढ़ रहे हो, वो है अशोक के धम्म पर टिप्पणी, अशोक के धम्म पर टिप्पणी और बौद्ध धर्म का प्रचार, ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ और अशोक की सीमाएं क्या थी, उन सीमाओं के बारे में याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, गुप्त कौन थे, भाई गुप्त कौन थे, गुप्त वंश के वर्ण बताना है, गुप्त वंश के बारे में और गुप्त कौन थे, गुप्त के स्रोत का वर्णन करना है और गुप्त के पतन होने का कारण क्या था, मतलब गुप्त वंश के पतन होने का मतलब कि पराजय होने का कारण क्या था, वो आप याद कर लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सारे सारे हम आपके नोट्स में दे देंगे, जो शॉर्ट नोट्स में नोट्स दे रखा है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप एप्लीकेशन भी हमारी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप हमने बना के डाल रखे हैं जो आप आसानी से पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोला गया है समुद्रगुप्त के जीवन एवं सफलताओं का वर्णन। देखो यहां बोला है जो समुद्रगुप्त है उसके जीवन और सफलताओं का वर्णन करना है अच्छी तरीके से, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य, देखो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी बोलते थे, उसका नाम था विक्रमादित्य, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी बोलते थे, उसका जीवन व्रत के बारे में बता देना, कैसे कैसे उसके जीवन कटा था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हेवन, देखो हेवन सॉन्ग कौन थे, हेवन सॉन्ग कौन थे उसका वर्णन करना है, हेवन सॉन्ग था कौन, ठीक है, और हर्षवर्धन का पूरा वर्णन करना है, हर्षवर्धन के कैसे अपने काटा था, और हर्ष के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालना है, हर्ष के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश मतलब हर्ष का जो प्रारंभिक जीवन था वो कैसे व्यतीत हुआ था उसके बारे में याद करेंगे। राजपूत की उत्पत्ति कैसे हुई थी, राजपूतों की असफलता का कारण क्या था, किस प्रकार से वो राजपूत असफल हुए थे, और इसी बात इसी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सामंतवाद क्या था, सामंतवाद क्या है उसकी विशेषता और उसके पतन के बारे में, सामंतवाद क्या होता है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हिंदू धर्म में कितने तरह के संस्कार होते हैं, हिंदू धर्म में कितने तरह के संस्कार होते हैं, जितने तरह के संस्कार हो वो सब लिख लेना, हम इसके ऊपर वीडियो में बना देंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहां बोला गया है महमूद गजनबी जो था उस पर आक्रमण करने का कारण और प्रभाव क्या था, वो देखें आक्रमण के कारण क्या थे, उनके प्रभाव क्या बड़े वो देखेंगे महमूद। उसके बाद में है मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का समय भारत की जो राजनीतिक दशा थी वो कैसी थी, जब जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था भारत पे, तब उसमें भारत की जो राजनीतिक दशा थी वो कैसी थी, उस दशा के बारे में याद करेंगे। उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता की विदेशी व्यापार से संबंध वर्णों के बारे में देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के विदेशी जो व्यापार संबंध है उसके बारे में याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आश्रम व्यवस्था के बारे में, आश्रम व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था और सिंधु सभ्यता के का जो निराश हुआ था, ठीक है, जो सॉरी विनाश हुआ था, सिंधु सभ्यता का विनाश के बारे में और सिंधु सभ्यता के निर्माण के बारे में। निर्माण देखो सिंधु सभ्यता जो थी उसका विनाश कैसे हुआ और उसका निर्माण कैसे हुआ, ये दोनों देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये देखो कलिंग जो युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध कैसे कैसे हुआ था वो आप देखेंगे। मैग्नेटिज क्या था, मैग्नेटिज का और कुल देखो कुमार गुप्त पर निबंध बताना है, कुमार गुप्त कौन थे वो देखेंगे। और जो यहाँ बोला गया है गुजरात में जो सॉरी गुजरात के जो कह सकते हैं चालुक्यों के उत्थान का वर्णन करना है, तो चालुक्य कौन थे, गुजरात के चालुक्यों के उत्थान का आपको वर्णन करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट थे। बस इतना पढ़ना है हिस्ट्री में, बाकी और कुछ नहीं देखना, इनके सारे क्वेश्चन के आंसर हम दे देंगे। आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप एमजेपी से हो, आगरा यूनिवर्सिटी से हो, बल्लिया यूनिवर्सिटी से हो, प्रयागराज यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है, वीर बहादुर से, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से, किसी से भी, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा बेटा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना, कोई इशू करता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे, साथ ही साथ बीए पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर देंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टाटा।